da na da na na दोस्तों तैयार हो जाइए फिर एक बार हंसते हंसते लोटपोट होने के लिए, क्योंकि इस बार हम आपके लिए जानवरों के ऐसे ऐसे हंसा देने वाले वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हमारी यह वीडियो काफी फनी और मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चूहे के पीछे बिल्लियां उसे परेशान कर रही है और ये उसे पकड़ने की फिराक में है, मगर चूहा इन दोनों को जरा भी भाव नहीं दे रहा और ये दो बिल्लियां भी इस चूहे से डरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि चूहे की साइज जरा ज्यादा ही बड़ी है जिस कारण ये बिल्ली इसे पकड़ने से कतरा रहे हैं। यही वो छपरी है साला, जिसने अभी तक मेरे 100 रुपए नहीं दिए। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का मतलब? मतलब तुम्हारा घर है क्या ये? मतलब तुम्हारा अकेले का घर है? पीछे मत आओ, पीछे मत आओ। तुम क्या हीरोइन लग के गई क्या? तुम्हारे पीछे आऊँ मैं? चेमड़ी ना कुछ साले दूर ले ले। अगर छोड़ा अब आए मार उसको। ये बात तो आप भी जानते हैं कि घोड़ों को लात देने में कितना मजा आता है, लेकिन अभी कई और भी जानवरों ने घोड़ों से ट्रेनिंग लेकर लात बरसाना शुरू कर दी है। जैसे कि यहाँ पर ये भाई अपने काम से काम मतलब रखते हुए खड़ा हुआ था और उसके ठीक सामने एक बैल भी था जिसने इस बेचारे को लात दे डाली, जिसका पता नहीं इस बैल के साथ कौन सी दुश्मनी है। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक एंटीलोप इस झील को पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने इस पर हमला किया, लेकिन जैसे तैसे उससे एंटीलोप बच निकला। लेकिन अभी सामने ही शेर इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब इस एंटीलोप का दिमाग घूम गया, जिस वजह से शेर ने इस पर हमला करने के बजाय वो उससे डर कर दूर भागने लग गया और शिकार किए बगैर ही यहाँ से चला गया। अबे दाता कहाँ है दाले? अरे कुछ तो शर्म करो, आराम करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम लोगों को मारने से फुर्सत मिले तब ना। क्वाला भी आम जानवरों की तरह बड़े दिलचस्प होते हैं, जैसे कि ये क्वाला पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे आते आते क्वाला भाई का पिछवाड़ा गीला हो गया, जो इस तरह से ऊपर भाग गया मानो कि इस भाई के पिछवाड़े में कांटा लग गया हो। कहते हैं कि बिल्लियां भी शेरों के प्रजाति से ताल्लुक रखती है, जो कि काफी सही है, लेकिन क्या आपने कभी किसी बिल्ली को असली शेर बनते हुए देखा है? नहीं ना, तो चलिए ये हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली इसे हिरण पर हमला करने के लिए किस तरह एक शेर की तरह धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है, जो शायद मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो देख कर आई हुई है। टाइगर है तू, टाइगर तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। लेकिन हिरण पर हमला करने के बाद इस हिरण ने बिल्ली को वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद ये बिल्ली मोटिवेशनल स्पीकर को तो गाली दे रही है। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो, तू कर सकता है, तू करेगा, उठ के तो देख कितना मजा है लड़ने में। I can do it. मैं जंगल का वो शेर हूँ कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों आपने पांडा की कई ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बड़े प्यारे नजर आते हैं, ठीक उसी तरह की एक और क्लिप आप यहाँ पे देख लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीन पांडा इस ग्रिल में से झांककर सामने वाले पांडा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी हरकत देखकर तो यही लगता है कि इस जू में कई दिनों बाद किसी नई लेडी पांडा की एंट्री हुई है, जिस कारण ये उस पर छुप छुप कर लाइन मार रहे हैं। कौन आ रही है? धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए का मस्त माल है। भाई भाई मेरा माल है। बचपन में आपने घोड़ा गाड़ी तो जरूर देखा ही होगा, शायद कई लोगों का ये सपना भी होगा कि उन्हें इस पर बैठना है। लेकिन एक सेकंड, इस पर बैठने से पहले हमारी यह क्लिप भी देखिए, जिसमें ये दो भाई घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए थे और सामने दो घोड़े तैनात खड़े हुए हैं, जिन्हें पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उनमें 100 हाथियों की ताकत आ गई, जिस वजह से बेचारे इन दोनों को जीते जी अपना आखिरी दिन दिख गया। बस्ती का तोड़ दे।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।